केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, प्रदेश के हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, राज्यसभा के सांसद श्री हर्ष महाजन जी और मेरे तमाम साथी, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और तमाम नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि आज हम लोग इन सबके आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और सुधीर शर्मा जी हमारे सहयोगी, इन्होंने सारी बातें बता दी हैं और ये जो घटनाक्रम हुआ है इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पिछले लगभग सवा साल से जिस तरीके से प्रदेश सरकार चल रही थी और किस तरीके से चुने हुए लोगों को ह्यूमिलेट किया जा रहा था और जो गारंटियां दी गई, जो वायदे किए गए, प्रदेश की जनता हमारे चुनाव क्षेत्र के लोग हमसे पूछते थे कि ऐसे ऐसे वायदे आपकी पार्टी ने किए हैं, इनका क्या हो रहा है, नौजवानों की बात है, नौजवानों की नौकरियां जो जिनको मिलनी चाहिए थी वो सारे के सारे काम रोक दिए गए और अंततः आदमी हर बात से समझौता करता है, स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं करता है और हम सब लोग स्वाभिमानी हैं, ये लोग जो मर्जी बोलते रहे। दूसरा मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पार्टी में पूरे देश में एक पॉलिटिकल डिजास्टर जो हो रहा है, ये इसके पीछे आज लगता है कि कांग्रेस का हाई कमान नजर नहीं आता है। हम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करते थे, सुनवाई नहीं होती थी, हम राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी और ये पूरे देश में कांग्रेस में जो पॉलिटिकल डिजास्टर हो रहा है, आने वाले समय में मुझे लगता है और होने वाला है। और आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, स्वेच्छा से हुए हैं और हमें इस बात का गर्व है कि जहां पूरा देश आगे बढ़ रहा है, हिमाचल प्रदेश आज इस सरकार में जो जैसे गाड़ी आगे चलती है, बैक गियर में जो सरकार चल रही है, आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर प्रदेश को फॉरवर्ड गियर में लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे। जहां देश आगे बढ़ रहा है, हिमाचल प्रदेश भी आगे बढ़े, ऐसी हम कामना करते हैं। मैं फिर से पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और हम सब आगे मिलकर एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश निर्माण में हम सब लोग योगदान देंगे। धन्यवाद।